हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन है। देखिए फ्रेंड, आज है 26 जून 2023 और इस वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं दोस्तों, आज ऑडिशन हुआ बहुत सारे दोस्तों का। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 3 प्रैक्टिस सेट प्लस 20 मेन क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो को देखिए और पूरा दोस्तों रट लीजिए क्वेश्चन को, कभी भी आप लोगों को इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेमोरी को फ्रेश करने के लिए चलिए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चन को रिविज़न करके दोस्तों आप लोगों का सही क्वेश्चन को दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 26 जून 2023 के ऑनलाइन ऑडिशन जीके टेस्ट में पूछे गए 22 प्रश्न में से पहला प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से किस वाद्य यंत्र में कोई तार नहीं होता है। 30 प्रश्न का सही जवाब थे दोस्तों ऑप्शन तबला। देखिए ऑप्शन मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट आंसर को बता देते हैं, तबला सही जवाब थे। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया 22 प्रश्न में, इनमें से कौन सा शहर सबसे उत्तर में स्थित है। इसका दोस्तों सही जवाब कानपुर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए, इनमें से कौन सा शहर एक अफ्रीका देश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों ये पेरू लिमा, देखिए लिमा के दोस्तों पेरू की राजधानी लिमा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों पेरू हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन जो कि दोस्तों 3 क्वेश्चन तो बस क्वेश्चन हो गया है, अब मेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल पूछे गए, कितने देश की भूमि सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 2 देश लगती है, तो इस प्रश्न का दोस्तों 2 देश हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मई 2023 में संदर्भ में इनमें से किस क्रिकेटर के टेस्ट भारत के लिए कप्तानी नहीं की है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है आर अश्विन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए, आपको किस राज्य में आमचांग वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा जहां जंगली हाथी पाए जाए। इसका दोस्तों सही जवाब है असम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए, इनमें से क्या एक शनि का एक चंद्रमा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है Io। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए, भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका दोस्तों सही जवाब है 1928 में भारत ने हॉकी टीम दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे गए, मई 2023 में संदर्भ में इनमें से किस भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री रही है। इसका दोस्तों सही जवाब है श्री देवेंद्र फडणवीस। श्री देवेंद्र फडणवीस 2023 मई के दोस्तों भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे गए, इनमें से किसने 2023 की फिल्म किसी का भाई किसी का जान में अभिनय किया है। तो देखिए इसका सही जवाब है डायना पेटी। डायना पेटी सही जवाब है। देखिए डायना पेटी किसी का भाई किसी का जान की अभिनय नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे गए, पैंथरा पाइटर्स किस जानवर के वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों पैंथरा पाइटर्स तेंदुआ की वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे गए, 2023 की हॉलीवुड फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 में जॉन विक की मुख्य भूमिका किसने निभाई है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है किनू लिब्स ने निभाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे गए हैं, मई 2023 के तक संदर्भ में किसी और कल्याण के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 2023 में किसी और कल्याण के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे गए, किस देश के झाड़ियों में आग लगाने से कोयला प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। इसका दोस्तों सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, महाभारत के अनुसार जयद्रथ का वध किस पांडव ने किया था।
तो देखिए दोस्तों, अर्जुन ने महाभारत के अनुसार जयद्रथ का वध किया गया था। अर्जुन के द्वारा दोस्तों जयद्रथ का वध किया गया था। 30 प्रश्न का अर्जुन हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, आशीष नेहरा इनमें से किस आईपीएल टीम के सदर में नहीं रहे। तो देखिए चार ऑप्शन दिए थे, तो इसका दोस्तों सही जवाब है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल से आशीष नेहरा नहीं खेले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे गए, इनमें से किस कौन सा राज्य द्वितीय विश्व युद्ध संघर्ष प्रशांत महासागर एक द्वीप पर हुआ है। तो देखिए इसका सही जवाब है पल हर्बल पर आक्रमण। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे गए, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कर्नल मालेश्वरी, जो कि दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे गए हैं, भारत में इनमें से किस व्यवसायी भाईस्वर ने अन्य तीन पहले उस पद पर कार्यरत किया है। तो इसका दोस्तों सही जवाब लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग भाईसर अन्य तीन से पहले उस पद पर कार्यरत किया था। तो चार ऑप्शन दिए थे, लॉर्ड कैनिंग सही जवाब थे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे गए, जून 2023 में पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जिससे दोस्तों किस देश के जुड़े लोग आसानी से ऋषि के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब थे सड़क विक्रेता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे कि किस राज्य का नाम एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर नाम पूरा करता है। डेस दिया था के चर्च पर और कन्वेंट। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाए गोवा। गोवा दोस्तों राज्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर नाम पूरा करता है। देखिए दोस्तों 19 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए, जून 2023 में सशस्त्र बलों की किस शाखा ने कैबिनेट जनरल पीएस भगत मेमोरियल लेक्चर के प्रथम स्वस्थ आयोजन किया गया था। तो इसका दोस्तों सही जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना सही जवाब है। देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जून 2023 के यार डिप्टेड 23 यूरोप के हवाई क्षेत्रों में किस संगठन द्वारा आयोजन एक वायु रक्षा अभ्यास है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है नाटो। देखिए नाटो 2023 के जून के दोस्तों एयर डिफेंस 23 यूरोप के हवाई क्षेत्रों में संगठन द्वारा आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब नाटो हो जाएगा। तो दोस्तों ये 23 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि दोस्तों ज़्यादातर करंट अफेयर से पूछा गया है क्वेश्चन। 2023 के जिन जिन साथियों ने करंट अफेयर्स का ज़्यादातर पढ़े होंगे उसी को दोस्तों ये क्वेश्चन का सलूशन हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता चल गया आज क्या ऑनलाइन ऑडिशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग एक बार मिला कर देख लीजिएगा, सभी लोग दोस्तों पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और पूरा आंसर की को देख लीजिएगा क्या क्या सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोगों को कितना सही किया है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत।